क्या करना है कि ये जो विनार की फाइल जो व्हाट्सएप में भेजी हुई ना आप लोगों को ग्रुप में, आपने इसको कॉपी कर ले, ठीक है, डाउनलोड करके कॉपी कर ले इसको। कॉपी करके जो आपने फोल्डर बनाया है, जैसे हमारे पास फोल्डर का नाम है वुड मार्ट यूनिवर्ट पर इसका फोल्डर है जिसको हमने रीनेम किया, इसको ओपन करें। उसके बाद आपके पास डब्ल्यू पी कॉन्टेंट का फोल्डर है, इसको ओपन करें। उसके बाद आपके पास एक फोल्डर है थीम्स के नाम से, इसको ओपन करें। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर वो जो विनार वाली फाइल है यहाँ पर आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से राइट क्लिक करें, एक्स्ट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करें, ठीक है, एक्स्ट्रैक्ट हेयर पे। एक्स्ट्रैक्ट हेयर करेंगे तो दो फोल्डर बन चुके हैं आपके पास। एक फोल्डर है आपके पास मैक ओ एस एक्स का और एक वुडमार्क का। आप ये वाला फोल्डर डिलीट कर दें, ठीक है, और चूंकि फोल्डर आ चुका हुआ है अब हमें इस विनार फाइल की जरूरत नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप जब अपनी थीम को देखेंगे ना, जब थीम में आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास ये वुड मार्ट के नाम से आ गया, ठीक है, पहले नहीं था अब आ गया। अब आप इसको यहाँ से एक्टिवेट पे क्लिक कर दें। ये देख रहे हैं कि एक आपको बिल्ट इन इस तरह से एक हेडर और ये नेविगेशन ये सारी चीजें मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए एक इसने वार्निंग मैसेज शो कर रहा है, कॉन्स्टेंट वैलिड अज्यूम वैलिड, देखे वो कह रहा है कि एक आपने ना उसके कोड में वैलिड लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इस तरह से लिखा हुआ जबकि उसको ऐसे लिखना है सिंगल कोड के साथ, ठीक है, और ये इन फ्यूचर इन पीएचपी के वर्जन में कोई एरर आ सकता है। तो वो एरर भी बता रहा है कि किस फाइल में है, वो देख रहे हैं कि आपको बता रहा है कि जो आपका वर्डप्रेस का फोल्डर नेम है वो उसके कॉन्टेंट में, उसके थीम्स, और फिर उसके बाद वुडमार्ट का फोल्डर है, उसके बाद उसके अंदर भी वुडमार्ट है, उसके अंदर आई एन सी क्या है, फिर क्लासेस क्या है, फिर लाइसेंस डॉट पी एच पी में लाइन नंबर 10 में वैलिड लिखा हुआ जबकि आपने सिंगल कोड के साथ वैलिड लिखना है, ठीक है। तो इसको डिबग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखिए वुडमार्ट wp-confirm थीम्स तक तो आप आए हुए हैं। अब ये फोल्डर है इसको ओपन करें आप, उसके बाद वुडमार्ट के फोल्डर को ओपन करें, उसके बाद आई एन सी का फोल्डर है इसको ओपन कर लें, उसके बाद क्लासेस का फोल्डर है इसको ओपन कर लें, उसके बाद आपके पास लाइसेंस डॉट पी एच पी की फाइल है इसको आप सबलाइम टेक्स्ट में ओपन कर लें, ठीक है, और इसमें लाइन नंबर 10 है आपके पास, ये लाइन नंबर 10 आ गई। इसमें वो बता रहा है कि आपने वैलिड लिखा हुआ, वैलिड को आपने सिंगल कोड में लिखना है, तो ये देखिए जी मैंने इसको यहाँ पर भी सिंगल कोड लगा दिए हैं और या यहाँ पर भी सिंगल कोड लगा दिया, और इसको मैं क्या कर दूँगा, सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा से इसको जब रीलोड करूँगा तो वो जो वार्निंग मैसेज था वो देख रहे हैं क्या, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए जब मैंने वुड मार्ट को एक्टिवेट किया तो जब भी हम किसी भी थीम को एक्टिवेट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्लगइन्स वो रिकमेंड कर रहा होता है, दिस थीम रिकमेंड, तो बजाय एक एक प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए देखिए बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन लिखा हुआ, आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद ये प्लगइन की जो टैब है आप सबको क्लिक कर लें, ठीक है, बल्क एक्शन में इंस्टॉल पे क्लिक करें और यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक कर दें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 8 प्लगइन्स हैं जो कि वुडमार्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये 8 प्लगइन हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इनको एक्टिव कर देना है, ठीक है जी। ये देखिए जी हमारे पास ये 8 के 8 जो से प्लगइन्स इंस्टॉल हुए अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, तो हम इसको रिटर्न प्लगइन इंस्टॉलर पे दोबारा क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जी हमारे पास ये आ गया। अब इसमें से एक सेकंड मैं अभी सबको एक्टिवेट कर रहा हूँ और फिर अभी इसमें एक एरर भी आएगा, ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या एरर है। इसके बाद मैं यहाँ से एक्टिवेट पर क्लिक किए, अप्लाई पर क्लिक किया तो ये प्लगइन जो से हैं एक्टिव होने लगे हैं। ये देखिए जी हमारे ये प्लगइन्स भी सारे एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, दोबारा से एक दफ़ा अपने प्लगइन्स में आते हैं कि सारे एक्टिव हो चुके हैं कि नहीं हो चुके, ठीक है, तो ये हमारे पास प्लगइन्स शो करेगा, द फॉलोइंग प्लगइन वर एक्टिव सक्सेसफुली, स्लाइडर भी हो गया, वुड मार्ट कोर भी हो गया है, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, एलिमेंटर हो गया, मेल चिप हो गया है, सेफ एस वी जी, वर्ड प्रेस, बेकरी, पेज बिल्डर एंड वू कॉमर्स, ये सारे उसने हमें एक्टिव करके दे दिए। तो ये जिनसे वुड मार्ट है वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या जो ज़्यादातर पेज जो बनाता है, डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, जो किए होंगे अगर हम इसका इम्पोर्ट वर्जन यूज़ करेंगे तो वो डब्ल्यू पी बेकरी के ऊपर पेज बिल्डिंग की हुई है, ठीक है।
लेकिन अभी हमने ये वाला बिल्डर भी इंस्टॉल कर लिया है, एक्टिव कर लिया है, और एलिमेंटर प्लगइन भी एक्टिव और इंस्टॉल कर लिए हैं। ठीक है, ये ज़रा जस्ट एक सेकेंड उसको होने दें। तो ये देखिए हमारे पास ये इसमें से ये पहला जो प्लगइन है ये अभी हमें ज़रूरत नहीं है स्पैम की। इसके अलावा हमारे पास ये हेलो डॉली वाले प्लगइन की भी ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो प्लगइन्स थे वो रिकमेंड किए हैं वो हमने सारे एक्टिव कर लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ जो हमारे पास जो टैब्स आ रही है ना इसमें लेफ्ट साइड पे, इसमें एक नाम है वुड मार्ट, ठीक है, वुड मार्ट, और इसमें एक ऑप्शन आ रही बेस इम्पोर्ट। ठीक है, हमने इसके ऊपर इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि अगर कोई एरर वगैरह आता है तो हम प्लगइन्स में वापस आ सके। ठीक है, ये देखिए ये वुड मार्ट का बेस इंपोर्ट का, ये वुड मार्ट का डैशबोर्ड है, इसमें बेस इंपोर्ट है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपने अगर कोई टेम्पलेट चाहिए, ठीक है, बेसिक लेआउट चाहिए वो आप कर सकते हैं इंपोर्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ देखिए येलो कलर का मतलब होता है वार्निंग, कोई एरर नहीं है, वार्निंग बता रहा है। और वो क्या बता रहा है कि प्लीज डीएक्टिवेट वन ऑफ द बिल्डर्स एंड लीव ओनली वन प्लगइन आइदर वुड डब्ल्यू बी बेकरी या एलिमेंटर। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों ही कर दिए थे, एलिमेंटर भी कर दिया है और डब्ल्यू बी बेकरी भी कर दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं इन दोनों में से एक कर दो, तो क्योंकि ये वुड मार्ट ज़्यादा जो सपोर्ट करता है डब्ल्यू बी बेकरी को करता है, तो इसलिए हम एलिमेंटर को क्या कर दें, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है जी, और सबमिट एंड डीएक्टिवेट। तो जैसे ही मैंने एलिमेंटर को डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये जो वार्निंग मैसेज है ना ये अब हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये डीएक्टिवेट हो गया, सर तो इसके बाद सर रीलोड करते हैं। एक सेकंड, इसको मैंने रीलोड किया है तो अब ये देखिए ये ब्लू कलर में आ गया, यू हैव वर्ल्ड पेस बेकरी पेज बिल्डर एंड साइट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चेक का मतलब क्या है कि इंक्लूड ऑल, जितने भी पेजेस वर्जन जो भी चीज़ें हैं इस रिक्वायर्ड है इस अपग्रेड के लिए वो सारी इम्पोर्ट कर दो। ये देखिए जी इम्पोर्ट, और अभी ये हमारे पास एक्टिव नहीं हुआ, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस कैटेगरी की थीम चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चाहिए, फैशन की चाहिए, या कौन सी प्रोडक्ट के लिहाज से चाहिए। तो हमने क्या करना है, अभी सिर्फ इम्पोर्ट बेस्ड डाटा पे क्लिक कर देना है। अब ये टाइम आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है, कि 1 घंटा भी ले सकता है, 1.5 घंटा भी ले सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पर ये इंस्टॉल होने में।